हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक सोनी वायो का लैपटॉप आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा स्लो चलता है। इसको हम ऑन करें तो ये थोड़ा स्लो चलता है। इसमें क्या है, हमने हार्ड डिस्क निकाली हुई है, ये आप देखोगे इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई थी। ये 5400 RPM की हार्ड डिस्क है। थोड़ा हमारा लैपटॉप स्लो चलता है, इस वजह से हमने इसको बदल के हार्ड डिस्क को हटा के हम इसमें SSD लगाते हैं। ये SSD है हमारी 240 GB की और ये हार्ड डिस्क है। आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, दोनों सेम ही है। ये भी साटा है और ये भी साटा है, क्योंकि इसमें NM.2 का ऑप्शन नहीं है। पर ये क्या होता है, ये आप देखो, ये आप समझोगे, ये एक खाली चिप है और ये क्या है, एक किसके साथ कार्ड होता है और मीडिया होता है, जिस वजह से हमारी हार्ड डिस्क स्लो चलती है। तो हम उसमें अब SSD लगा रहे हैं। यदि आपके आप भी समस्या से जूझ रहे हो कि आपकी लैपटॉप बहुत स्लो चल रही है, आप खोलते हो तो खोल के बैठ जाते हो, 1 मिनट लेता है, 2 मिनट लेता है, कोई भी वर्ड एक्सेल की फाइल में भी ये सब समस्या आ रही है, तो आप आज ही आए और SSD चेंज करवाएं अपने लैपटॉप। ये हम आपको दिखाते हैं इसमें SSD कैसे लगाते हैं। कुछ मॉडल में बाहर से SSD लग जाती है, यानी हार्ड डिस्क बाहरी लगी होती है, और कुछ मॉडल में लैपटॉप को पूरा खोल के हमें SSD लगानी पड़ती है। यदि आपके स्पीड की कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत इजी प्रोसेस होता है। आप देखोगे ये ऑप्शन इसका खांचा होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे, सेट कर देंगे, ये हमारी SSD सेट होगी है ढक्कन को बंद करके। पर इसमें आपको OS वगैरह इंस्टॉल करना होता है। यदि आप भी स्लो वाली प्रॉब्लम से परेशान हो, मैं फिर वही कहता हूँ, आप हार्ड डिस्क की जगह SSD लगवा लो, आपका भी ओके हो जाएगा। और दूसरा, यदि हमें स्टोरेज भी चाहिए कि भाई हमें 1 TB का स्टोरेज ही अपने लैपटॉप में चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है कि हम DVD, जिसमें DVD राइटर होता है उसमें कैडी लग जाती है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कैडी क्या होता है, ये कैडी होती है जो हम हार्ड डिस्क, जैसा हमारी हार्ड डिस्क निकलती है तो हम उसे इसमें फिट कर देते हैं। कैडी में हार्ड डिस्क फिट होगी है, इसको हम DVD को बाहर निकालेंगे और ये DVD की जगह हमारी कैडी लग जाएगी। तो इस प्रकार हमारा SSD भी लैपटॉप में लग जाएगा और हार्ड डिस्क भी लग जाएगा, हमें स्टोरेज भी मिल जाएगी और स्पीड भी मिल जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।